हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योत्सनाज यमी किचन। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स और खूब सारा चीज़ है, मतलब इसमें बहुत सारे विटामिंस एंड प्रोटीन है। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज्ज़ा तवे पर। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको तवे, पैन किसी पर भी बना सकते हैं। बस 5 मिनट में बन जाती है। तो जब भी आपको कुछ यमी खाने का मन हो, आप इसको जल्दी से बनाकर खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोस अपलोड करते ही सबसे पहले मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं ब्रेड पिज्ज़ा बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 4 पीस वाइट ब्रेड। आप चाहें तो ब्राउन या कोई भी मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं। और मैंने लिया है 200 ग्राम मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आपके पास। साथ ही मैंने लिया है एक प्याज, जिसको बारीक चॉप कर लिया है, एक बारीक कटा हुआ मीडियम साइज टमाटर, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप चाहें तो पनीर, कॉर्न या कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल ले सकते हैं, जो भी बच्चों को खिलानी हो आप इसमें ऐड कर लें, बच्चे बहुत ही खुश होकर खा लेंगे। और हम लेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगैनो, साथ ही हम लेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। आप मिक्स हर्ब्स भी ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस और 1 चम्मच शेजवान सॉस, 1 चम्मच बटर और 1/2 टीस्पून नमक। जब आप बच्चों के लिए बनाएं तो बस टोमेटो सॉस यूज़ करें, और अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो आप अपने ब्रेड पर शेजवान सॉस भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं। अब हम एक बोल लेंगे, बोल में बारीक कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को ऐड कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ऑरिगैनो, 1 चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून नमक लिया है। नमक ज़्यादा नहीं ऐड करें क्योंकि हम चीज़ भी डालेंगे इसमें, और चीज़ में भी नमक होता है तो नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच चीज़। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 2 ब्रेड स्लाइस लेंगे। 1 स्लाइस पे केचप सॉस लगाते हैं और दूसरा ब्रेड पिज्ज़ा थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे, तो इसके लिए मैं 2 स्पून केचप में 1 स्पून शेजवान सॉस मिक्स करके लगाऊंगी। तो दोनों सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे तो कोई भी सॉस अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हैं, जो भी मार्केट में हो, या फिर मार्केट में अवेलेबल जो पिज़्ज़ा सॉस होता है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपके घर में पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टोमेटो सॉस और शेजवान सॉस को मिक्स करके ब्रेड पे लगाएं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम हमारा वेजिटेबल मिक्सचर को ब्रेड पे इवनली स्प्रेड करेंगे। इसको अच्छे से लगा देंगे दोनों ब्रेड के ऊपर। और अब लास्ट में इसके ऊपर जाएगा बहुत सारा मोज़रेला चीज़। आप अमूल चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या जो भी घर में है आपके पास वो चीज़ यूज़ करें। अब हम एक पैन लेंगे, पैन को थोड़ा सा गर्म होने दें। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर, इसको मेल्ट होने देंगे। अब हम गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसमें दोनों स्लाइस रख देंगे। और इनको कवर करके 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इसको तब तक पकाना है जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, और इसमें लगभग 2-3 मिनट लग जाएंगे। इसमें ध्यान ये देना है कि आपको ब्रेड को लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई या मीडियम फ्लेम पर नहीं, नहीं तो स्लाइस जल जाएगा और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट नहीं होगा।
3 मिनट हो गए हैं, अब हम लिड ओपन कर लेते हैं। ये देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस लग रहा है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए तैयार हो गए हैं हमारे यमी चीज़ी ब्रेड पिज्ज़ा बस 5 मिनट में। इसको खाएंगे तो बहुत ही यमी और क्रिस्पी लगेगा ये हमें। क्रीमी चीज़ी और क्रिस्पी ब्रेड पिज्ज़ा खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब जब भी आपको पिज़्ज़ा खाने का मन हो तो आप मेरी इस रेसिपी से इसको बनाएं और खाकर इंजॉय करें। आप बार बार ऐसे ही बनाएंगे, आपको इतना लाजवाब लगेगा ये ब्रेड पिज़्ज़ा। चलिए अब इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऐड कर लेते हैं। बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आता है ये, और इसको सुबह के नाश्ते और शाम की चाय के साथ खाने का मज़ा ही आ जाता है। फ्रेंड्स आप ये ज़रूर बनाएं आपके और आपकी फैमिली के लिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।